एक दिन शांतिपुर नाम के गांव में एक कुकर भेड़िए ने हमला कर दिया। अरे यार भागो यहाँ से, नहीं तो ये भेड़िया हमें मार देगा। इसकी माँ की जात का भैंसा मारूं मैं। मुखिया जी जल्दी से चिंटू पिंटू को बुलाइए, नहीं तो ये जानवर हमें मार देगा। हम यार ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। चिंता मत करो मोटू, मुझे भरोसा है उन पर, वो दोनों यार जल्दी से आ जाएंगे। अबे साले अब तू मेरी गाली खाएगा। मैंने कहा था तुझे उनके लिए गांव में बना दे, लेकिन तूने उनके लिए गांव से बहुत दूर बना ली। मोटू जी आप थंड के, वो दोनों आ ही जाएंगे। और तभी वहां पर चिंटू का ट्रैक्टर रोबोट आ गया। भेड़िया अपने जितना रोबोट देकर उसकी तरफ भागने लगा और उन दोनों लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को काफी से मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा, लेकिन आखिर ने अपने चिंटू ने उस भेड़िया को मार ही गिराया। आखिरकार रोबोट ने मेरा नाम फिर से रोशन कर ही दिया। आज तुम दोनों ने फिर से बहुत अच्छा काम किया चिंटू पिंटू। कोई बात नहीं मुखिया जी, ये तो हमारा काम था, आप तो हमें शर्मिंदा करे जा रहे। चिंटू ये ऐसे जानवर हमारे गांव में तीसरी बार आए, आखिर ये जानवर कहाँ से आ रहे इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? नहीं मुखिया जी, हमें नहीं पता कि ये जानवर आखिर कहाँ से, लेकिन हम दोनों जल्दी से उनका पता लगा लेंगे। ठीक है चिंटू, अगर तुम्हें किसी भी पैसे की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना। मुखिया जी हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अबे साले कभी पैसा तो नहीं देता, सिर्फ पूछता रहता है भिखारी गई का। चिंटू बेटा तूने कुछ कहा क्या? नहीं मुखिया जी मैंने कुछ भी नहीं कहा। सर हमारा लगातार तीसरा मिशन फेल हो चुका है, न जाने उस बच्चे ने ऐसा कौन सा रोबोट बना दिया कि जिसके कारण हमारे सारे मिशन फेल होते जा रहे हैं। अब हमारे पास ज्यादा अमाउंट में पैसा मौजूद नहीं है सर, हम सिर्फ अब एक पावरफुल रोबोट बना सकते हैं। लगता है मुझे अब उस बच्चे की चर्बी निकालनी ही पड़ेगी। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आप ये कुनकुरबा क्यों कर रहे हो, आपकी क्या दुश्मनी है उस गाँव से? अबे साले दो पके के भिखारी के साइंटिस्ट की औलाद, अगर तूने ये सवाल फिर से पूछा तो नहीं बचेगा तू। आपको लग रहा होगा ऐसा सवाल पूछने के बाद इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। किशोर मैं अभी चलता हूँ। आप आते क्यों पिताजी, अगर आपको यहाँ दो दिन के लिए रहना है तो आप आइए मत यहाँ। अरे किशोर अपने पिताजी के ऐसे कोई बात करता है क्या? नहीं पिताजी इसमें इसकी कोई गलती नहीं, आप जब घर नहीं आते तो मैं भी आपसे ऐसे ही बात करता था। पिताजी आप यही रुक जाइए ना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। नहीं किशोर मुझे यहाँ से जाना ही होगा, तुम बिंटी का ख्याल रखना। इतना कह के किशोर के पिताजी वहाँ से जाने लगे। पूरे देश का गर्व होगा तुम पर तुम्हारा काम जानने के बाद। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी सर, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। ठीक है सोल्जर, तुम चाइना जाकर बेहद ही सावधानी से अपना मिशन पूरा करके ही आना। ठीक है सर। मुझे इस जगह की इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन यह लोग इस जगह पर क्या करने वाले हैं? तो वो एजेंट यह आवाज देखने लगा, लेकिन तभी आसमान पे दो हेलीकॉप्टर आ गए। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगे और हमारी कॉपी इंफॉर्मेशन लेके चले जाओगे? अरे नहीं ये तो एक ट्रैप था। सर हमारा वो स्पाई चाइना में पकड़ा गया है। अरे नहीं यह खबर बाहर पसर गई तो यह एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है, इससे पहले हम उसे नहीं जानते और उसे भगोड़ा करार दे दो। तो भी यह बात सारी तरफ पसर गई थी कि किशोर के पिताजी एक गद्दार थे और उन्होंने देश को धोखा दिया था। किशोर हम सबको यहाँ से जाना होगा। लेकिन दादाजी हमने किया क्या है? बेटा हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ना ही तेरे पिताजी ने कुछ किया था, तेरे पिताजी बहुत ईमानदार थे। गाँव वालों दिखा देते इन गद्दारों को इनकी औकात। तभी वहाँ पर दादाजी उन सब के लिए गाड़ी मंगवाई थी, तब वो तीनों गाड़ी में बैठ गए। तो वो सब गाड़ी से वहाँ से काफी तेजी से निकल रहे थे, तभी गांव के एक ट्रक वाले ने उनको उठा दिया। इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर दादाजी और पिंकी वही मारे गए। अरे यार सालों कुत्तों तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा एक दिन। दूसरी तरफ गांव वालों ने उनके घर पर हमला लगा दिया। इसके साथ जो भी हुआ था वो बुरा था, लेकिन अब ये जो कर रहे वो उससे भी बुरा है। या दूसरी तरफ चिंटू पिंटू अपने रोबोट को और भी अच्छा कैसे करे ये सोचने लगे। तभी वहां पर गांव के मुखिया भागते हुए आने लगे। क्या हुआ मुखिया जी आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे चिंटू मिंटू मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, गांव में काफी लोग गायब हो चुके, किसी को भी नहीं पता वो लोग आखिर कहाँ गए।
आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर चिंटू का रोबोट कहने लगा, सर मुझे कोई हमारे गांव के पास जो खंडर इलाका है वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है। तो चलते उस जगह पर और देखते आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तब चिंटू पिंटू और किशोर उस खंडर जगह पर आ गए। तो तुम दोनों इतने दिनों से गांव को बचा रहे हो, अब मैं तुम दोनों को मार कर गांव को तबाह कर दूंगा। तो तुम इतने दिनों से गांव में तबाही मचाने के उन राक्षसों को भेज रहे हो, आखिर क्या दुश्मन है तुम्हारे उस गांव से? और तुमने जो लोग किडनैप किए थे वो कहाँ है? मैंने उन लोगों को तो कबका मार दिया। और रही बात दुश्मनी की, तो गांव के किसी बुजुर्ग को जाकर पूछो आखिर क्या हुआ था गद्दार के परिवार के साथ। जाओ रोबोट, खत्म कर दो इन दोनों को। किशोर के ऐसे कहती वो दोनों रोबोट एक दूसरे से टूट पड़े। वो दोनों एक दूसरे को काफी बेहतरीन से मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था आखिर कौन जीतेगा और कौन मरेगा। अब तुझे कौन बचाएगा? अरे यार ये क्या हो गया? शांतिपुर नाम का गांव था, उस गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो सगे भाई से भी अच्छे रहते थे। उनकी दोस्त की मिसालें गांव भर दी जाती थी, लेकिन उनमें से जो चिंटू था उसके बालों का रंग और आंखों का रंग काला नहीं था, इसलिए सारे गांव वाले उसे हमेशा फिरंगी फिरंगी कह के चिढ़ाते थे। सिर्फ उसका दोस्त पिंटू उसे कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन चिंटू गाँव के एक रास्ते से अपने घर जा रहा था, तभी उसके सामने उसके दो दोस्त आकर खड़े हो गए। उन दोनों में से एक का नाम था जॉनी, जिसे गांव वाले कुत्ते की दुम कहलाते थे, और दूसरे का नाम था बकू, जिसे गांव वाले कुछ भी नहीं कहते थे। तुमने हमारे ऊपर 150 सालों से भी ज्यादा राज किया ना, अब इसे भगा दो सोल्जर। आपका हुक्म सर, आपको पे सर। तब वो दोनों चिंटू को काफी बेदर्दी से मारने लगे। अब हमें मिलेगा इंसाफ। क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते हो? क्योंकि तुम फिरंगी हो। अगले दिन चिंटू पिंटू से कहने लगा, पिंटू तू मुझे यह बता पहले, तेरे नजरों में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? अरे चिंटू क्या हुआ तुझे, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? हम तो सच्चे दोस्त है ना। तो भी जॉनी और बकू हमेशा मुझे क्यों चिढ़ाते रहते? अब मेरे बालों और आंखों का रंग काला नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था मुझे ऐसा होने का। चिंटू तू पहले थन रख, तो भी काफी गुस्से में, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं कि तेरे बालों का और आंखों का रंग काला है। वो दोनों तो हमेशा सबको चिढ़ाते रहते हैं, तुम उन पर ध्यान मत दे। इसका मतलब तुझे लग रहा है वो दोनों सही है और तेरे नजरों में मेरी कोई भी इज्जत नहीं? तब चिंटू वहां से गुस्से में एक जंगल की तरफ निकल पड़ा, और उसके पीछे उसका दोस्त चिंटू भी आ रहा था। तब चिंटू गुस्से में एक जंगल में आ गया था। पिंटू अपने पीछे देखो। जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, उन्हें वह एक बेहद ही खूबसूरत कछुआ एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ दिखा। पिंटू हमें उस कछुए को बचाना चाहिए। तब वो दोनों अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से निकालने लगे। तब वो कछुआ वहां से आगे बढ़ने लगा। उस कछुए से आगे बढ़ते हुए देखकर चिंटू और पिंटू काफी खुश हो गए थे। कछुआ जाते जाते चिंटू और पिंटू की तरफ देखने लगा और फिर से अपने रास्ते की तरफ निकल गया। तब चिंटू और पिंटू जिस जगह पर खड़े थे वहां जमीन धसने लगी और वो दोनों नीचे गिर गए। चिंटू और पिंटू काफी तेजी से नीचे गिरने लगे, झाड़ियां होने के कारण उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई। तभी उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कौन सी जगह पर आ रहे। तभी उनकी तरफ एक शेर काफी तेजी से भागते हुए आने लगा। उस शेर को देखकर चिंटू और पिंटू की हवा टाइट हो गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ से भाग कर कहां जाए। डरो मत तुम दोनों मुझसे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। शेर के ऐसे बात सुनकर वो दोनों को थोड़ी राहत मिली। तुमने जिस कछुए को बचाया था वो एक जादुई कछुआ है, यहाँ तक अभी तक काफी कम लोग आ चुके। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, जिस सवाल का जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे पाया, अगर तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी दो इच्छाएं पूरी करूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म लेने से 4 पैरों पर चलती है, जब जवान हो जाते हैं 2 पैरों पर चलती है, और जब बूढ़ी हो जाती है 3 पैरों पर चलती है? तो वो दोनों उस सवाल के बारे में सोचने लगे। अगर आपको उस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काफी देर सोचने के बाद चिंटू बोलने लगा, इस सवाल का जवाब है इंसान।
इंसान जब जन्म लेता है तब चार पैरों पे चलता है, जब जवान हो जाता है दो पैरों पे चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो दो पैरों के साथ काठी लेकर चलता है। तुमने सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, मांगो तुम्हारी क्या दो इच्छा है। तो पिंटू काफी देर सोचने के बाद कहने लगा, मेरे दोस्त चिंटू के बाल काले हो जाए और आंखें काले हो जाए। तब चिंटू बहुत खुश हो गया, उसके दोस्त ने उसके लिए अपनी इच्छा मांगी, तब उसके बाल और आंखें भी काले हो गए। तब चिंटू अपनी इच्छा में क्या मांगे यह सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद चिंटू कहने लगा, मुझे आप एक जादुई रोबोट दे दीजिए। तब शेर के पास जो जादुई शक्ति थी उससे वो एक जादुई रोबोट प्रकट करने लगा। जब दोनों इच्छाएं पूरी हो गई वहाँ सारी तरफ धुआं छाने लगा और वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो धुआं वहां से जाने लगा और आसपास की चीजें दिखने लगी। तब चिंटू फिर से उसी जंगल में आ गए थे। तब चिंटू और पिंटू वो रोबोट लेकर गांव में आ गए। वो रोबोट जादुई था, अगर गांव में किसी पर भी मुसीबत आ गई तो रोबोट उसकी मदद करता, उन्हें पैसे देता। अब यह बात सारी तरफ पसर गई थी कि चिंटू और पिंटू के पास एक जादुई रोबोट है। शहरों शहरों में लोग चिंटू और पिंटू के जादुई रोबोट के बारे में बात करने लगे। उसी शहर में एक साइंटिस्ट रहता था, था तो एक साइंटिस्ट लेकिन रहता था पक्के गुनहगार की तरह। उसे भी पता चल रहा था जो चिंटू और पिंटू का जादुई रोबोट है वो जितने चाहे उतने पैसे तैयार कर सकता है। लालच में आकर उस रोबोट को हासिल करने के लिए उसने भी अपना एक वाटरमेलन रोबोट बना लिया। चिंटू और पिंटू हर रोज की तरह मैदान पर अपने रोबोट के साथ खड़े थे, तभी वहां पर वो साइंटिस्ट अपने वाटरमेलन रोबोट को लेकर आ गया। ओए बच्चों, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वो जादुई रोबोट मेरे हवाले कर दो। ठीक है अंकल, ये रोबोट काफी लोगों की मदद कर रहा है, हमें आपसे झगड़ा नहीं करना। जाओ वाटरमेलन रोबोट, उन दोनों बच्चों को मार दो और वो जादुई रोबोट हमारे पास ले आओ। अरे नहीं, अरे यार, इतने मेहनत करने के बाद भी मैं फिर से असफल हो गया। आखिरकार अनहोनी टल ही गई।